बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बिहारी बोटी मसाला बनाने की रेसिपी। तो होममेड में आपको बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी बोटी मसाला बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीबन भी हमने 10 से 12 जो है वो गोल लाल मिर्च ले लेनी है, और तकरीबन भी 2 अदद बड़े साइज़ के जो है वो जावित्री के टुकड़े ले लेने हैं। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च साबित वाली ऐड कर देंगे। 1 अदद जो है वो हम बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 2 अदद जो है वो इसमें हम छोटी इलायची ऐड कर देंगे। 7 से 8 इसमें हम लौंग ऐड कर देंगे। 2 अदद जो है वो इसमें हम दार चीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे दरमियानी साइज़ के, और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया खुश्क धनिया ऐड कर देंगे साबित वाला, और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे, और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे, और इन तमाम को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम जो है वो ड्राई मसाले खुश्क वाले यानी कि पाउडर वाले ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे तकरीबन भी 2 चम्मच के करीब यानी कि 2 टेबल स्पून इसमें हमने खशखाश ले ली है, और खशखाश को हमने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके सुखा लिया है। और 1 टी स्पून इसमें हम पिंक सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, और इन तमाम को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, ग्राइंड होने के बाद कितना बेहतरीन सा हमारा बिहारी बोटी मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देगा। आप इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रेडी कर सकते हैं, आप इसे महफूज करके रख सकते हैं, तकरीबन भी 6 से 7 माह के लिए आसानी के साथ जो है वो सेव करके रख सकते हैं, अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रेडी कर रहे हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे से कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।